नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। मुंबई शिवसेना अफजल बातुक सेना ने दक्षिण मध्य मुंबई के अणुशक्ति नगर तालुका विधानसभा के पदाधिकारियों की नियुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। साइन कोलीवाड़ा के पंजाबी कैंप में शिवसेना अफजल बातुक सेना कार्यालय पर एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर शिवसेना अफजल बातुक सेना के महाराष्ट्र पदाधिकारियों, मुंबई पदाधिकारियों सहित दक्षिण मध्य मुंबई के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा ने इस अवसर पर नियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर इस अवसर पर इंद्रपाल सिंह मारवा ने कहा कि सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल के निर्देश पर की गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना की अफजल बातुक सेना बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आएगी और अपनी अहम भूमिका अदा करेगी। आयोजित कार्यक्रम में नियुक्त सभी पदाधिकारियों का स्वागत सत्कार कर नियुक्त पत्र बांटे गए। इस अवसर पर शिवसेना अफजल बातुक सेना के शाहजी पाटिल, विशाल वर्मा, अणुशक्ति नगर तालुका अध्यक्ष सुमित कलक, मुंबई उप सचिव आसू जी, नरेंद्र पाटिल, हरविंदर सिंह अरोरा, उमेश मिटगांवकर, विवेक बिड़े, नवनाथ गांवकर, महमूद अली बागवान, मोहम्मद आलम बागवान आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में शिवसेना के शाखा प्रमुख गजा पाटिल ने कार्यक्रम में शिरकत की तथा नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी। मुंबई जिले में अच्छे से काम हो रहा है, वैसे बाकी जिलों में भी चल रहा है, और मुंबई को जैसे मजबूत किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, इसमें हम लोग लगे हुए दिन रात, और उद्धव जी के आशीर्वाद से, आदित्य साहब के आशीर्वाद से काफ़ी मजबूत हो गई अफजल बातुक सेना मुंबई में, उसकी ये मेहनत लगी हुई है। शिवसेना अफजल बातुक सेना वर्तमान समय में क्या सभी जिलों में पूरी तरह से गठन हो चुका है? शिवसेना अफजल बातुक सेना 6 के 6 जिले में डिक्लेरेशन हो गए हैं, 13 तालुका डिक्लेयर हो गए हैं, आज एक तालुका और हुआ है, 14 तालुका हो गए हैं, बाकी जो बचे हुए 16 तालुका 20 तालुका है वो भी जल्दी डिक्लेयर कर रहे हैं। हम लोग दिन रात मेहनत करके हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में महानगर पालिका में शिवसेना अफजल बातुक सेना ग्राउंड लेवल पे उतरे और जितने शिवसैनिक कैंडिडेट खड़े होंगे सबके साथ भगवा लहराने का काम करें। शिवसेना अफजल बातुक सेना इंद्रजीत सिंह बल के निर्देश पे और दिशा निर्देश पे आगे बढ़ रही है, उनके लिए क्या कहेंगे? हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय श्री बल साहब, उनके आशीर्वाद और उनकी मेहनत से ही आज ये रंग लाई है पार्टी अफजल बातुक सेना, और ऐसा अध्यक्ष हमको मिला है। रात को 2 बजे भी मैं फ़ोन लगूंगा, सर ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, ये चीज़ के लिए डिस्कस करना है, वो कभी नहीं बोलेंगे सत्ती 2 बज गए फ़ोन रखो, बोलेंगे ठीक है क्या पता, ऐसा ऐसा मैं मैसेज करता हूँ। तो जो भी राय रणनीति वो मिलती है उनका समय मांगते हैं, मैं नहीं, हमारी कमेटी में जिला अध्यक्ष हो, जिला उप सचिव हो, अगर वो भी महाराष्ट्र अध्यक्ष को कॉल करेगा साहब, उसको भी मिलते हैं। तो ऐसा एक नेता हमें मिला है महाराष्ट्र में, जिनके आशीर्वाद और जिनके नेतृत्व में हम ये काम कर रहे हैं और अफजल आगे बढ़ रही है। किस तरह से गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, शिवसेना अफजल बातुक सेना का ये कार्यक्रम होते हैं, और जहाँ मेरा कार्यालय है महाराष्ट्र सरचिटनीस का, मेरा ये शाखा इनके अंडर में आती है गजिया भाई के, और गजिया भाई यहाँ के शाखा प्रमुख है, तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। तो इनको मैंने आज दोपहर को फ़ोन किया कि गजिया भाई जय महाराष्ट्र, आपको प्रोग्राम में आना है, और बिना देरी किए उन्होंने बोला मैं आऊँगा, और वो आए, उन्होंने कीमती समय दिया, मैं उनका दिल से आभार मानता हूँ शिवसेना अफजल बातुक सेना की तरफ से। जैसा कि उन्होंने कहा कि शिवसेना पूरी एक है, अफजल एक है, शिवसेना और अफजल एक अंग है जो साथ में लेके चलते हैं, जैसा कि हाथ पैर लगे हमारे शरीर को, वैसे ही अफजल बातुक सेना, युवा सेना, महिला सेना, विद्यार्थी सेना सब एक है, और उसके ऊपर है शिवसेना जो उद्धव जी ने बनाई है, बाला साहब ने बनाई है, आदित्य साहब ने बनाई। तो मैं फिर एक बार आपके माध्यम से यहाँ के शाखा प्रमुख माननीय श्री गजा पाटिल जी का स्वागत करता हूँ,
और दिल से आभार मानता हूँ कि अपना समय दे के वो आए, और आगे भी उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो हमेशा ऐसे समय देंगे। और मेन बॉडी में कोई भी हो, हमारे विभाग प्रमुख मंगेश सट्टमकर साहब, वो भी हमेशा हर कार्यक्रम में, तभी गाँव में, वैसे हमारी महिला विभाग प्रमुख रीटा ताईवाग, वो भी हर कार्यक्रम में। तो मेन बॉडी के जितने लोग हैं हमारे यहाँ, सबका हमको सहयोग मिलता है और हम सब कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये तालुका से साइन कोली वाला विधान तालुका से 8 नगर सेविक तालुका में है, जो सबको हम चुन के लाने वाले, ऐसे हम लोग यहाँ बोलते हैं और मेहनत करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कि 80% समाजकारण, ये समाजकारण ही चलता है हर जगह, जैसा अभी राशन बांटना है या किधर बाढ़ आई थी उधर राशन बांटना है, या इसके पहले भी साड़ी बांटना है, छतरी बांटना है, ये सोशल प्रोग्राम ही होते रहता है। और इसके अंदर कैसा अच्छी संगठन हो रही है, आज सती भाई कर रहे, बल साहब कर रहे, इसके कारण बहुत अच्छा ये काम हो रहा है। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।